अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगारे, वो भी बग़ैर बॉईल किए। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना। सिंगारे बनाने के लिए यहाँ पर हमने सिंगारे लिए हैं जिन्हें हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और इनकी मिट्टी साफ़ कर ली है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे ढककर स्टीम करने के लिए रख देंगे। चूँकि सिंगारे हम स्टीम कर रहे हैं तो जो हमने ढक्कन लगाया है उसे कपड़े से इस तरीके से ढक देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे और मिलते हैं आपसे 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं और सिंगारे हमारे स्टीम हो चुके हैं। सिंगारे बनाने के लिए आप किसी रफ़ बर्तन का ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे बर्तन अक्सर ख़राब हो जाते हैं। पानी से इसे ठंडा कर लिया है और अब इसे कट करते हैं। देखें देखें कितना खस्ता बने हैं। सिंगारे को अच्छी शेप में काटने के लिए इसे इस तरीके से काटेंगे। इस साइड पे नाइफ़ रखेंगे, इस तरह इसका छिलका उतारेंगे। और इस तरह ये पूरा निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगारे हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहें तो इस पे चाट मसाला छिड़क दें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।